दी गई यूनिट को लिखने के लिए, तो जैसे आप देख रहे हैं वहां एन हम छोटा नहीं कर सकते, बड़ा एन न्यूटन के लिए ऑलरेडी असाइंड है तो बड़ा ही एन रहेगा। प्लस और अगर दो डिफरेंट यूनिट से मिलकर एक डिराइव यूनिट की डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन रही है, तो फिर वहां पर हम उन दोनों के बीच में कोई हाइफन का साइन, कोई इंटू का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं, जूल। अब जैसे ये जो आपका वर्क है, वर्क की जो यूनिट है वो ये वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो जूल का जे बड़ा लिया जाएगा, छोटा जे नहीं लिया जाएगा। ये क्यों? क्योंकि वो एक साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, तो हाइफेन नहीं लगाना है आपको अपने हिसाब से, मतलब आप अंग्रेजी की कॉपी ना करिएगा कि भाई यहाँ पर एन छोटा कर दिया जाए, ये आपको नहीं करना है। तो ये दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कभी कभी अब जैसे कि 10^6 इन्वॉल्व हो गया, तो आप मेगावाट ले लेंगे, एम इंटू डब्ल्यू, है ना। 1 मेगावाट का मतलब 10^6 वाट हो गया। तो ये गाइडलाइंस है, आप इन गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं, बस इसमें यह बताया गया है कि आप यूनिट लिखते वक्त कोई गलती ना करें। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल्स खुद से करने हैं, मैं एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अगर किसी को कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट में नीचे हमें लिखकर बता दे, हम फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज इट इज वेस्टिंग ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑन द लाइव लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपके पास बुक है तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होंगे? तो जब मैं आपसे एसआई यूनिट ऑफ लेंथ डिस्कस कर रहा था, तो वहां मैंने आपको एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं वो बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। पहला आंसर आएगा 9.46 × 10^15 मीटर। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 10^10 एंगस्ट्रॉम होंगे, कितने होंगे? 10^10 एंगस्ट्रॉम होंगे। 1 मीटर में कितने माइक्रॉन, 10^6 माइक्रॉन होंगे, कितने होंगे? 10^6 माइक्रॉन होंगे। अच्छा, अब देखो सवाल ये पूछा गया कि 1 माइक्रॉन में कितने एंगस्ट्रॉम। तो आओ बेटा इसको हम तुम्हें कैलकुलेट करने का तरीका सिखा सकते हैं कि 1 मीटर में आपने लिखा 10^6 माइक्रॉन और आपने लिखा 10^10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आपसे पूछा गया 1 माइक्रॉन में कितने एंगस्ट्रॉम, तो आप इसे लिखेंगे 1 माइक्रॉन। अब आपने यहां लिखा हुआ 10^10, डिवाइड कर दीजिए आप नीचे 10^6, इस तरीके से आप देखेंगे ये एंगस्ट्रॉम में है, यानी ये हो जाएगा 10^4 एंगस्ट्रॉम। आ गया आंसर आपका 10^4 एंगस्ट्रॉम। अब 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, ये नोन फैक्ट है, 10^-15 मीटर, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 18 है। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, ये बेटा अब आपको प्लीज याद करना पड़ेगा, 10^-3 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम, ये भी मैंने आपकी कॉपी में लिखवा दिया था, 10^-6 किलोग्राम। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम। 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं, 1.67 × 10^-27 किलोग्राम। जैसे मैं फटाफट बोल रहा हूँ वैसे आपको भी याद हो जाएगा, याद कर लीजिए। नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 10^-9। 1 माइक्रो सेकंड में कितने होते हैं, माइक्रो कन्वर्जन फैक्टर है 10^-6 का, तो 10^-6 सेकंड हो जाएगा। 1 मीन सोलर डे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मीन सोलर डे में जो है ये भी मैंने आपको लिखाया है, 86,400 सेकंड होते हैं। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 ईयर में दिन कितने, 365। हर दिन में घंटे कितने, 24। हर घंटे में मिनट कितने, 60। हर मिनट में सेकंड कितने, 60। तो अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 3.15 × 10^7 सेकंड। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पे करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वो कह रहा है कि 2020 में फरवरी जो है वो 29 डेज की होगी या नहीं होगी।
तो किसी ईयर की फ़रवरी 29 की होगी या नहीं होगी, इसको पता लगाने के लिए हम उस ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो इंटीजर आ गया तो आपका आंसर यस होगा, और अगर इंटीजर नहीं आया तो आपका आंसर नो होगा। जैसे अगर आप 2020 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 504, 504। तो 504 एक कंप्लीट इंटीजर आया, इसका मतलब यस। और आपने देखा भी 29 फरवरी थी, जबकि आप 21 में फरवरी 28 डेज की पाओगे, फिर 22 में भी 28 डेज की पाओगे, फिर 23 में भी 28 डेज की पाओगे, और जब 24 आएगा तो चूंकि फिर 4 से डिविजिबल है तो इसलिए फिर वहां पर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द लीप ईयर, ठीक। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कृपया जिस तरीके से आप इंटरेस्ट के साथ वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब भी कर लें आप चैनल को, और कमेंट में नीचे मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के बता देंगे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये आपका पार्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया, या आपने कोई ऐसी चीज़ जो पढ़ाई हमको नहीं समझ में, तो कृपया वो नीचे कमेंट में लिख दें ताकि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।